नमस्कार, स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। सर, आज निफ्टी 50 में जबरदस्त तेजी दिखाई दी और निफ्टी आज 24,502 के लेवल पर बंद हुई। 186.20 अंक बढ़ के और ये 24,502 के लेवल पर बंद हुई है। आज सेंसेक्स अगर देखा जाए तो 80,519 पे, और अगर देखा जाए तो आज FII ने आज 4,021 करोड़ की खरीदारी की, वहीं DI ने आज 1651 करोड़ का माल बेचा। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि निफ्टी आपकी आज जो निफ्टी क्लोजिंग हुई है वो 24,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। जब 24,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है तो यहाँ से अब लग रहा है कि निफ्टी अभी तो फिलहाल तो गिरने के मूड में नहीं है, और हो सकता है कि बजट तक आपको 25,000 तक भी दिखा जाए, और बजट के अगर हो सकता है बजट तक न दिखाए तो कुछ दिनों में दिखा जाए, लेकिन ये 25,000 के पास पहुँचने की संभावना प्रबल नज़र आ रही है, क्योंकि आज ये 24,500 के ऊपर ही क्लोज हुई है। तो अब कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। आज अगर देखा जाए तो कुछ स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर है, जिसमें एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। आपको ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसको देखिए आप, 230 करोड़ तक का लगभग ये निर्यात का ऑर्डर प्राप्त हुआ है, तो अच्छी खबर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए। और अगर कुछ शेयर देखा जाए, एक ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने कल भी उसका एक वीडियो बनाया था अपना, जो उसमें भी बताया था कि ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ऑर्डर प्राप्त हुआ था, और आज फिर देखते हैं उसको, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को 1200 BVCMC बैंगन के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय रेलवे से 432 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है, और कल भी 5% का अपर सर्किट था और आज भी शायद 5% का अपर सर्किट है स्टॉक में। अब स्टॉक की तरफ अगर देखते हैं तो उसको देखें, ये देखिए आज 5% का अपर सर्किट लगा के स्टॉक 397 रुपए पर पहुंच गया है। तो अब क्या है, कितनी गुंजाइश इसमें बाकी है, और अन्य स्टॉकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें रेलवे के स्टॉक होंगे, कुछ डिफेंस के स्टॉक होंगे, जिसमें अभी मैंने आपको BEL का नाम लिया, तो सारे स्टॉक पर चर्चा करेंगे, और उन स्टॉक्स के हम चार्ट पैटर्न देखेंगे कि अब उनमें कहाँ एंट्री बन रही है और कहाँ कितनी तेजी बाकी है। तो चलिए चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की चार्ट की तरफ। अब इस स्टॉक का चार्ट देखते हैं। ये ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने वीकली चार्ट खोला है सर। अब इस स्टॉक के चार्ट को अगर देखो तो ये स्टॉक यहाँ से, कल मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उस रेंज से निकलकर इसने अपर सर्किट लगाया था, उसके बाद आज फिर ये अपर सर्किट लगाया है। अब एक बात होती है कि जब स्टॉक हम लोग ये सोचते हैं कि अब ये स्टॉक अपर सर्किट लगा चुका है, अब ये 10% चल चुका है, अब इसको बताने से क्या फ़ायदा, अब इसको लेने से क्या फ़ायदा, तो सर जब स्टॉक चलता है हम तभी उसमें पोजीशन बनाएं तो हमको जल्दी रिटर्न मिल जाते हैं। अगर हम बीच में उसमें पोजीशन बना लेते हैं, ये आप देखिए, अगर यहाँ से हम पोजीशन बनाएं, यहाँ आपने अगर पोजीशन बनाई होती तो लगभग कितना, 1 जनवरी 2024, एक इसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ कि अगर हमने 1 जनवरी 2024 अगर यहाँ इसमें पोजीशन बनाई होती तो ये कितने दिनों तक, ये देखिए आप, लगभग जून आ गई है, 10 जून 2024, उसके बाद ये देखिए 24 जून 2024, इसका मतलब जनवरी से जून तक कितने महीने हो गए आपके, इतने दिनों तक ये स्टॉक एक रेंज बाउंड रहा है, ठीक है सर। अब इस रेंज में अगर आप इसमें पोजीशन बनाते तो एक ये ट्रेडिंग कर सकते थे कि ये यहाँ आपने पोजीशन बनाई तो फिर वो नीचे चला गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इसी रेंज में ये चल रहा था स्टॉक। तो यहाँ पोजीशन बनाने से इतना मतलब नहीं निकलता, आप 5 या 4% 10% तक का फायदा ले सकते हैं, लेकिन अगर ये आपने यहाँ आप पोजीशन बना रहे हैं इस स्टॉक में, ये देखिए कि अब ये स्टॉक यहाँ चल रहा है, तो अब अगले ट्रेडिंग सेशन में देखिए कि ये स्टॉक 397 अगर वहाँ से ऊपर निकलता है तो आप वहाँ पोजीशन बनाइए। हाँ, उसका स्टॉप लॉस जो आपको रखना है, स्टॉप लॉस 325 का रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए कितना, 325 का, और वहाँ पे आपको जहाँ ये स्टॉक मिल रहा है वहाँ इसमें एंट्री बनाइए और बेधड़क एंट्री बनाइए। आपको ये स्टॉक देखना बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न देगा, और अगर टारगेट की अगर आपको छोटे से टारगेट, छोटा सा ही टारगेट बताता हूँ, तो ये टारगेट आपका यहाँ से कितना निकल रहा है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक सेकंड। अगर मैं इसमें एक सिंपल सा भी टारगेट निकालूं तो ये मैं जो अनुमान लगा लेता हूं कि ये टारगेट क्या है, तो इसका ये आपको 550 तक का टारगेट दिखाएगा सर, और ये स्टॉक निश्चित ही आपको 550 तक का टारगेट दिखाएगा, लेकिन पेशेंसली आप होल्ड करना इस स्टॉक को। और ये SL जो मैंने बताया आपको, SL अगर आप अगले ट्रेडिंग सेशन में लेते हैं तो 325 का, हाँ उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ता जाइए आप अपने SL को ट्रेल करते जाइए, और SL को ट्रेल कहाँ करना है, अगले वीक के, जो आप अगले वीक में एंट्री लें तो पिछले वीक की आप लो पे उसका SL रख लीजिए,
उसके अगले वीक में लें, जब उस वो आपका ऊपर निकल जाए तो फिर उसका जो पहले वाला वीक है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करती रहिए, आपका जो प्रॉफिट है उसको आप सेव करते रहिए और स्टॉक में आप बने रहिए। तो सबसे पहला स्टॉक मैंने चर्चा की, थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर हो जाएगा, मैंने काफ़ी स्टॉक को चर्चा की है, सारे चार्ट पैटर्न बताए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला मैंने ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बताया और उनके जो मैंने आपको जो लेवल्स बताए उनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला स्टॉक चर्चा करते हैं, अगला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो अभी मैंने इसकी आपकी न्यूज बताई थी इसके संबंध में, बहुत अच्छी न्यूज है इसके लिए भी। अब ये स्टॉक यहाँ से देखिए ब्रेकआउट दिया है, इस स्टॉक ने एक 320 के रेंज को तोड़कर ये ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं। और SL बहुत छोटा इसका बनना है, SL लगा बनना है 323 का, और ये अभी SL इसी SL के साथ अगले वीक में आप 323 के SL पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और ये स्टॉक आपको बहुत ही बेहतरीन मूव दिखाएगा, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से स्टॉक अभी शांत पड़ा हुआ है, उतना इसमें मूवमेंट नहीं आया है। तो BEL को आप देख सकते हैं, SL आप इतना रखिए और बहुत ही बेहतरीन मूव आपको देगा यहाँ से। अगर टारगेट इसके ही बात करूँ मैं आपको, तो ये भी आपको बड़ा अच्छा टारगेट दिखाएगा, वो दिखा रहा हूँ मैं अभी। ये स्टॉक आपको इजीली 450 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और कुछ ही दिनों में दिखाई देगा। तो ठीक है सर, BEL मैंने बताया, BEL का स्टॉप लॉस जरूर देखिए आप। BEL का अगले वीक आप इसमें एंट्री लेते हैं तो 323 का भी SL रखिए, और इसका थोड़ा सा और सेफ रखना चाहते हैं तो 305 रुपये का SL आप रख लीजिएगा। ठीक है सर, अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है सर इसमें KPIT। सर अगर इस स्टॉक की बात की जाए KPIT टेक्नोलॉजी की, तो ये मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है, मैंने जब भी वीडियो बनाया तो इस स्टॉक की जरूर चर्चा की है, KPIT टेक्नोलॉजी। आज भयंकर तेजी आई, क्योंकि पूरे IT सेक्टर में तेजी थी, तो ज़बरदस्त तेजी आई और भयंकर तेजी के साथ इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट दे के ये स्टॉक आज आपको 1900 रुपये तक भी गया, और ये उसके बाद क्लोजिंग इसने कहाँ की है, लगभग 1865 रुपये पर क्लोजिंग दी है। और काफ़ी दिनों के बाद ये स्टॉक आज एकदम भयंकर तूफानी तेजी में आया और काफ़ी ऊपर निकल चुका। अब इसके जो टारगेट अगर हम देखें तो ये स्टॉक आपको कुछ ही दिनों में आपको 2500 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 2500 के बाद फिर ये स्टॉक आपको 5000 पर भी दिखाई देगा, लेकिन आपको पेशेंसली होल्ड करना है। ये स्टॉक ऐसा बेहतरीन स्टॉक है जिसको आप बस होल्ड करी रहिए और ये आपको टारगेट अपने आप दिखाता रहेगा। तो ठीक है सर, KPIT टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक को आप ज़रूर अपनी निगाह में रखिएगा, और अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो इसमें ज़रूर आप पोजीशन बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, किसी भी लेवल पर ले सकते हैं, कोई इसकी लेवल नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही मजबूत स्टॉक है, जहां आप मन करें वहां ले सकते हैं। और ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, KPIT हुआ, BVL हुआ, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। तो सर KPIT अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है सर विप्रो, उसको देखते हैं। अब अगर इस स्टॉक की बात करें, काफ़ी लोग इस स्टॉक में बहुत समय से फंसे होंगे सर, और इस स्टॉक की अगर बात करें तो ये वो स्टॉक हैं जो कि एक यही कहानी बन चुके हैं कि विप्रो ने सबको करोड़पति कर दिया, इन्फोसिस ने सबको करोड़पति कर दिया, और पुरानी बातें कि इन्फोसिस ले लो तो करोड़पति हो जाओगे, विप्रो ले लो तो करोड़पति हो जाओगे, और जो नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो वो क्या देखता है कि इन्फोसिस ले लें, विप्रो ले लें, और हम इनको 5-10 साल डाले रहें तो हम करोड़पति हो जाएंगे। तो ये सब एक कहानियाँ बन चुकी हैं। अगर अब स्टॉक जिनके पास है तो मैं इसमें नए इन्वेस्ट की कभी सलाह नहीं देता हूँ, न तो विप्रो में ना ही इन्फोसिस में। हाँ, अगर आपको पसंद आते हो तो आपको अपनी वो राय है, लेकिन मुझे ये स्टॉक कभी पसंद नहीं आते हैं। विप्रो हाँ, यहाँ से हो सकता है कि अब ये स्टॉक बड़े दिनों बाद चल रहा है तो आपको 600, उसके बाद फिर ये स्टॉक 650, फिर कहीं ये स्टॉक 700 यहाँ के लेवल को अगर पार करेगा तो फिर ये लेवल नई ऊंचाई पर निकलेगा। लेकिन इस स्टॉक से बेहतरीन और भी स्टॉक हैं, आप उनको देखिए। अब इसने किसको करोड़पति बनाया, क्या हुआ, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं सर, ठीक है। तो इस स्टॉक में अगर आपके पास है तो आप अपने उस पर रखिए, लेकिन मुझे विप्रो इन्फोसिस कभी पसंद नहीं आते हैं। अगर IT में देखा जाए तो KPIT देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम देखिए, बिरला सॉफ्ट देखिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक हैं और बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है सर, अगले स्टॉक की चर्चा की जाए। अगला स्टॉक है सर यहाँ पे, इस स्टॉक की बात की जाए, रेलटेल कॉर्पोरेशन। आज 14% तक की तेजी है इसमें, और मैंने पहले भी रेल के ऊपर वीडियो बनाए थे, इसमें बताया था कि रेलटेल, RVNL और टीटागढ़ रेल में अभी तेजी नहीं आई है, उसमें तेजी बहुत जल्दी आ सकती है। तो रेलवे के स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी आ रही है, और अब ये स्टॉक यहाँ से देखिए ये लेवल को इसने ब्रेकआउट कर दिया है,
जो लेवल इसकी थी यहाँ पे, उस लेवल को ब्रेकआउट 501 और 500 सीधा ब्रेकआउट करके आज ही 15% ही ऊपर चला है। अगर पहले किसी वीडियो ने अगर मेरा वीडियो देखा हो जिसने लिया हो, तो आज अच्छा परसेंटेज प्रॉफिट बनाया हुआ वो, तो 15% ऊपर चल गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अभी भी इसमें पोजिशन बना सकते हैं, और पोजिशन बना के बसरते बस ये ध्यान रखना है आपको कि इसका जो एसएल रखना है वो अगले वीक की, जो मैंने आपको बताया इसी कैंडल पर लगभग 515 रुपये की ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आपको पोजिशन बना के रखनी है, लेकिन अगर मैं आपको छोटा एसएल बताऊं तो फिर इसके बंडे कैंडल पे चलते हैं, बंडे चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसको आप देखिए, इसको हम तब भी ये 15% का ही एसएल बनना है, क्योंकि आज ये 15% चला है तो आपको 513 इतना तो रखना ही पड़ेगा। और अगर आप छोटा एसएल रखना चाहते हैं तो 5% तक का एसएल रख लीजिए, वो आपकी अपनी वो है। लेकिन अगर स्टॉक में पोजीशन बनानी है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से बेहतरीन मूव देंगे, इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है, रेल के स्टॉक्स में अभी यहाँ से बजट तक बहुत बेहतरीन मूव देंगे, और बजट में अगर इनके संबंध में और भी अच्छी घोषणाएं होती हैं तो यहाँ से ये और अच्छा मूव देते चले जाएंगे। और आप ये मत सोचिए कि ये 15% चल गया, आप इनमें क्या करें, आप एंट्री बनाइए, बेधड़क एंट्री बनाइए, और हाँ स्टॉक उतने ही लीजिए कि ये सोचिए कितना आप एसएल झेल सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन इनमें एसएल नहीं कटेगा, ये मैं रेल के स्टॉक्स में अभी बम्पर तेजी चल रही है, आप स्टॉक में बेधड़क एंट्री बनाइए, ठीक है सर। अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं, अगला स्टॉक है सर इसमें इरडा, IREDA, इसको देखते हैं। अब अगर IREDA इस स्टॉक की चर्चा की जाए तो IREDA आज स्टॉक लगभग 5-6% तक की तेजी था, और आज इसका रिजल्ट भी आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद ये स्टॉक जो क्लोजिंग हुई इसकी 284 के लगभग हुई, तो अब स्टॉक को अगर देखें तो आज रिजल्ट आ जाने दीजिए, और रिजल्ट इसका कैसा आता है, रिजल्ट इसका अच्छे आने की संभावना है। और ये स्टॉक यहाँ से अगर टारगेट की बात करें तो आपको आसानी से ये 500 रुपये तक का टारगेट दिखा देगा, क्योंकि 450 रुपये का टारगेट देखो आसानी से बनना है इस स्टॉक में। पेशेंसली होल्ड कीजिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ से आपको अच्छा मूव देगा, ठीक है सर। और आज का इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, उसके बाद देखते हैं कि कहां तक संभावना बन रही है। लेकिन इस स्टॉक को आप पेशेंसली होल्ड कीजिए, क्योंकि भारत सरकार ये कह रही है कि रूफ टॉप सोलर जो लगाए जाएंगे तो इस वजह से ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स में बम्पर तेजी आएगी। तो इस स्टॉक को आप पेशेंसली होल्ड कीजिएगा, यहाँ से बहुत अच्छा मूव दिखाएगा आपको ये, ठीक है सर। अगले स्टॉक की चर्चा की जाए, अगला स्टॉक है सर हुडको। अब सर हुडको की चर्चा करें तो बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है आपको इसमें एंट्री लेने का, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आज 334 की प्राइस है इसकी, 334 रुपये पर लगभग 2.5% तक का ये नेगेटिव मूव लिया है इस स्टॉक ने। अच्छा स्टॉक है, आप इसको जिसके पास है वो होल्ड करिए, जिसके पास नहीं है वो इस स्टॉक में एंट्री ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका जो एसएल उसे रखना है, एसएल इसका रखना है 300, अगर अगली वीक वो अगर बनाता है इसमें अगली वीक, ये देखिए कि ये कहाँ चल रहा है। और आप ये बस ये ध्यान रखिए कि वो एक वीक के निचले वाली कैंडल पर आप उसमें अपना एसएल लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली वीक आप इसमें एंट्री लेते हैं तब पता चलेगा कहाँ पर इसमें एंट्री हो रही है। अगर अभी का एसएल अगर इसका लगाएंगे तो हम यहाँ पर 280 तक का एसएल लगाएंगे, ठीक है सर। और अगर बंडे कैंडल पे एसएल लगाते हैं तो थोड़ा आप एसएल इसका 318 या 310 के लगभग लगा लीजिएगा। अगले वीक देखते हैं कहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 500 के पास दिखाई देगा, और 500 से ऊपर भी ये जल्दी बहुत जल्दी आपको बहुत ऊपर दिखाई देगा ये स्टॉक। इसमें इसलिए अगर जिसके पास नहीं है तो वो इसमें एंट्री बना सकता है, बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले स्टॉक पर चर्चा करते हैं, अगला स्टॉक है सर NHPC। NHPC स्टॉक की बात करें तो देखिए NHPC स्टॉक जो एक रेंज में चल रहा था, आज भी उसी रेंज को टच करके वो नीचे आ गया, वहाँ इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया, उस रेंज को टच करके नीचे आ गया। अब अगले सेशन में देखते हैं कि ये स्टॉक इसको ऊपर निकलने की कोशिश करता है या नहीं। अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है 170 रुपये से, देखिए रेंज में चल रहा था, उसी रेंज को उसने टच किया, कितने 170 रुपये तक टच करके तुरंत ही नीचे आया है। अब इसमें अगले दिन देखते हैं कि ये स्टॉक कहाँ जा रहा है। अगर ये स्टॉक 170 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप इसमें फ्रेश एंट्री करिए, और यहाँ से आपको सीधा ये 130, 140, 150 रुपये तक के टारगेट दिखाएगा। और कुछ दिन अगर आप इसमें और ठहरते हैं तो ये स्टॉक आपको 180 तक के टारगेट दिखा देगा, ठीक है सर। अगला स्टॉक देखते हैं, अगला स्टॉक है सर RVNL। सर स्टॉक की चर्चा करें RVNL की, तो बहुत दिनों से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा था। आज IRFC, रेलटेल, अन्य स्टॉक में तेज़ी हुई, लेकिन इस स्टॉक में आज उतनी तेज़ी नहीं हुई। तो ये स्टॉक भी बेहतरीन है, आप इसमें भी एंट्री करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस स्टॉक में, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर निकल गया है अभी, तो आप थोड़े थोड़े करके दो भागों में इसमें एंट्री कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए अभी आप आधी एंट्री जो करिएगा, जैसे आपको 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 50,000 अभी एंट्री कर लीजिए। बाई चांस अगर स्टॉक नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आपको मिल जाए, लगभग कितना मिल जाए, लगभग अगर किसी परिस्थिति में ये 580 या 575 के आसपास मिल जाए, तो आप इसमें और क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, और ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 800 या 1,000 के पास दिखाई देगा।
बहुत बेहतरीन स्टॉक है RVNL, उसको जरूर आप देखिए RVNL। अगला स्टॉक देखते हैं, अगला स्टॉक है सर, अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं, अगला स्टॉक है सर BVL। ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक आपको अभी 1584 के आसपास दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 1850 के पास दिखाई देगा। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, मौका मत छोड़िए। आपको अगर आपने अभी इसमें एंट्री नहीं बनाई है तो इसमें आप एंट्री बनाइए। और देखिए एक यहाँ से ऊपर निकल के कितना गया है, लगभग 1626 गया है और उसी रेंज में ये घूम रहा है। और ये स्टॉक देखते देखते आपको कब ये 1850 पहुंच जाएगा तो ये आप देख भी नहीं पाएंगे। जैसे आज KPIT 10% चला है, ये बेहतरीन स्टॉक है सर, मेरे बड़े फेवरेट स्टॉक हैं BVL और KPIT। इसमें आप जरूर पोजीशन बनाइए, अगर आपके पास अभी है नहीं है तो इसमें पोजीशन बनाइए और टिके रहिए इस स्टॉक में, साल दो साल तीन साल ये स्टॉक यहाँ से आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। तो हो सकता है आपको मेरी बातें सारी पसंद आई हो, अगर सारे स्टॉक मेरे पसंद आए हो, सारे अगर मेरे सारे लेवल्स पसंद आए हो, तो फिर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।